ग्रेट, मैं चाहता हूं कि शादी वही हो जहां अवनी चाहती है। इसी घर में, हाँ, ये घर हम दोनों की लव स्टोरी का गवाह है। ये छत, ये दरवाजे, ये सीढ़ी, वो आंगन, ये सब हमारे प्यार के गवाह। इन सब ने हमारी दोस्ती को प्यार में बदलते हुए देखा। हमारे सपनों को आंख यहीं पर मिले हैं और हम चाहते हैं कि हमारे प्यार की आखिरी मंजिल ये घर देख सके। लेकिन राज, तुम मेरे लिए सैक्रिफाइस मत कर। अवनी, तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम कुछ भी नहीं बोलोगी। अवनी, अगर ये सब ईगो इश्यू सब तुम्हें दुख पहुंचाते हैं तो मुझे सब नहीं चाहिए। मैं तुम्हारे चेहरे में हमेशा स्माइल देखना चाहता हूँ। तुम्हारे साथ शादी जरूरी है, शादी की वेन्यू नहीं। वाह, आज बच्चों ने हमें सिखा दिया एक दूसरे की खुशियों की कितनी अहमियत है। इन दोनों सच्चा प्यार है इन दोनों में। किसी भी रिश्ते की सबसे बड़ी बुनियाद यही होती। मैंने तो कहा ही था होगा वही जो राज चाहेगा। राज, तुमने तो हमारे दिल का बोझ हल्का कर दिया। अवनी, थैंक यू। जितना ज्यादा मैं तुम्हें जानने लगी हूं ना, उतना ज्यादा मैं तुमसे प्यार करने लगी हूं। देखा तो, अरे फिर वापस चली गई। और राज, तुम्हारे पास पूरी जिंदगी पड़ी है एक दूसरे से बात करने के लिए। अब घर चले, शादी की बहुत सारी तैयारियां करनी है। हाँ माँ, बोलो ना अभी तुम क्या कह रही थी। अच्छा जी, अंजलि जी, मैं चाहता हूँ कि आप अपने परिवार वालों के साथ बैठ के डिस्कस कर लें कि कौन कौन सी रस्में हमारी तरफ से होनी चाहिए, कौन कौन सी ऐसी विधियाँ जो आप चाहती हैं कि हम लड़की वालों की तरफ से। रिलैक्स सुकेत जी, ये रीति रिवाज, विधि विधान, इन सब में तो आप लोग एक्सपर्ट हैं, हमें तो कुछ भी नहीं पता। अंजलि जी, मैंने अपने बिजनेस के सिलसिले में बहुत सारे इवेंट्स किए। अक्षत की शादी भी हमने बहुत धूमधाम से की, लेकिन पता नहीं क्यों अवनी की शादी को लेके मैं बहुत नर्वस हूं। आप चिंता मत कीजिए, जिसके घर में अवनी जैसी बेटी हो उसके यहाँ सब अच्छा ही होगा। मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है अवनी पर और राज पर भी। अंजलि जी, आप इसे घर ले जाइए वरना इन दोनों की तो बातें ही खत्म नहीं होंगी। हमने अभी बात शुरू भी नहीं की। हाँ तो अब शादी के बाद ही शुरू करना।